चैलेंज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और अभी 13 आवर्स फिनिश भी हो चुके हैं। जिम से पहले मैं अभी ये ग्रीन टी पी रहा हूँ। आप लोगों को मैं टाइम दिखा देता हूँ, अभी है आज 2 सितंबर, तो चैलेंज स्टार्ट करते टाइम मैंने अलार्म भी सेट कर दिया था अपना 3 डेज का और अभी तक हमारे बचे हैं 2 डेज एंड 10 आवर्स 21 मिनट्स। तो जिम का वर्कआउट फिनिश करके मैं अभी आ गया हूँ पार्क में, थोड़ी देर वॉक करता हूँ। ये नेक्स्ट डे है और 32 आवर्स कम्प्लीट हो चुके हैं, अभी अपडेट कर रहा हूँ। अभी रात के बज रहे हैं 11:30, सो अभी तक 45 आवर्स कम्प्लीट हो चुके हैं और बीच में बहुत ज्यादा ही मतलब बहुत ज्यादा वीकनेस फील हो रहा था। हमारे 63 आवर्स कम्प्लीट हो गए और अभी सिर्फ 8 आवर्स 46 मिनट्स बचा हुआ है। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो ये वीडियो जो होने वाली काफी डिफरेंट होने वाली मेरे पुरानी वीडियो से। इस वीडियो में मैंने एक चैलेंज लिया है, मैं 72 आवर्स के लिए फास्टिंग करने वाला हूँ, मतलब 72 आवर्स 3 डेज मैं कुछ भी नहीं खाने वाला हूँ। इस फास्ट में मैं सिर्फ पानी पी सकता हूँ, इसके अलावा मैं और कुछ भी कंज्यूम नहीं करने वाला हूँ, खाना वगैरह। और इसमें मैं हर्बल टी जैसे ग्रीन टी या फिर कॉफी भी ले सकता हूँ, बट कॉफी भी ब्लैक कॉफी विदाउट मिल्क विदाउट शुगर। मतलब बेसिकली कैलोरीज हम लोग को नहीं लेनी है, हम लोग को जो भी है पानी पे ही सर्वाइव करना है 3 डेज के लिए। सो मेरा काफी टाइम पहले से मेरा प्लान था, मतलब 1 साल पहले, उसके बाद मैंने लिया नहीं वो चैलेंज, वो मैं काफी लाइफ में बिजी हो गया तो इसलिए वो चैलेंज नहीं किया। बट फिर अभी सडनली मुझको मतलब इस चैलेंज के बारे में दोबारा से पता चला और मेरा काफी मन था, काफी टाइम से मैंने कुछ ऐसा किया नहीं था, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया मैं चैलेंज करता हूँ। और मैंने प्लान नहीं किया था कि मैं ये शूट करने वाला हूँ, बिकॉज मेरे को इस चैलेंज में काफी ज्यादा डिफिकल्टी खुद से होने वाली है, बिकॉज मैंने आज तक कभी फास्ट इतना लंबा नहीं किया। नॉर्मली बहुत पहले किया होगा 16 आवर्स 24 आवर्स भी नहीं किया मैंने, 16-20 आवर्स तक ही इतना किया है। बट ये मेरे लिए काफी चैलेंजिंग होने वाला है, बिकॉज मैं जब भी जिम जाता हूँ तो हम लोग नॉर्मली जो लोग जिम जाते हैं हम लोग एवरी 3 आवर्स 4 आवर्स स्मॉल स्मॉल मील्स लेने की हम लोग की आदत होती है, तो बॉडी यूज टू नहीं है इतने लंबे चैलेंज के लिए, मतलब बिना खाने के सर्वाइव करना। तो मेरा चैलेंज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और अभी 13 आवर्स फिनिश भी हो चुके हैं मेरे चैलेंज पे। और मैं अभी इसलिए शूट कर रहा हूँ बिकॉज मेरा प्लान नहीं था इसको रिकॉर्ड करने का, बट फिर मैंने डिसाइड किया इसलिए मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अभी मैं जिम के लिए रेडी हुआ हूँ। तो मैंने सोचा ब्लॉग मेरा अभी मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। ये मेरा जो 72 आवर्स का फास्ट का चैलेंज है ये मैंने स्टार्ट किया 2 सितंबर आज सुबह 3 बजे और ऑलरेडी अभी 13 आवर्स हो चुके हैं, अभी शाम के 4 बज रहे हैं, मैं जिम जाने वाला हूँ। सो मैंने ये प्लान नहीं किया था कि मैं रात को स्टार्ट करूंगा, बट मैं काफी ऑलरेडी लेट तक जग रहा था तो मैंने डिसाइड किया मैं अभी स्टार्ट कर देता हूँ। उसके बाद मेरे घर में जो भी थोड़ा बहुत खाना था बनाना और एक दो वेजिटेबल्स, मैंने सोचा वो भी फिनिश कर देता हूँ, वेस्ट होंगे फालतू में। तो मैंने रात को ही 3 बजे स्टार्ट कर दिया सुबह, उसके बाद मैं अभी उठा था 11 बजे क्योंकि काफी लेट सोया था। तो मेरी बॉडी में अभी तक मतलब 12 आवर्स 13 आवर्स हो चुका है, बट अभी भी एनर्जी लेवल आप लोगों को दिख रहा होगा बाद से भी अभी तक ठीक है। उसके बाद मैंने रीड किया है ऐसा कि आपका जब 18 आवर्स होता है उसके बाद आपकी बॉडी कीटोसिस में चली जाती है, मतलब बेसिकली नॉर्मली अगर हम लोग की बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है तो हम लोग जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, तो ग्लूकोज से हम लोग की बॉडी जो सर्वाइव करती है। बट एक टाइम के बाद आपकी बॉडी में जब जो ग्लूकोज रिजर्व होते हैं, जो भी आपने खाना खाया है उसे जो भी ग्लूकोज प्रोड्यूस हुआ है वो सब फिनिश होता है, तो उसके बाद हमारी बॉडी कीटोसिस में चली जाती है। बेसिकली जो हम लोग का स्टोर्ड फैट है उसका ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है, तो वो 18-24 आवर्स होता है। तो अभी मुझे लगता है थोड़े टाइम बाद वो स्टार्ट होना हो जाएगा, तो बीच में मे बी मेरे जो एनर्जी लेवल्स है वो थोड़े कम होंगे। और इस चैलेंज को मैंने और डिफिकल्ट किया बिकॉज नॉर्मली मैंने देखा वीडियोस में इतने मुझे मिले भी नहीं लोग इस चैलेंज में, नॉर्मली घर पे रहते हैं और एक मतलब ज्यादा कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, बट मैंने सोचा कि थोड़ा सा और डिफिकल्ट करते हैं जितना मतलब मेरी बॉडी मतलब कर पाऊंगा खुद से। तो मैंने सोचा कि मैं जो भी फिजिकल एक्टिविटी नॉर्मली करता हूँ मैं उतना ही करूंगा, बट जिम में मैं ज्यादा अपने आप को एक्सर्ट नहीं करने वाला, ज्यादा पुश नहीं करूंगा। नॉर्मली मैं 1.5 आवर्स वर्कआउट करता हूँ, मतलब 1.5 घंटे, तो मैं अभी जिम में से 30-40 मिनट्स वर्कआउट करूंगा। और डेली का मेरा होता है कि 10,000 स्टेप्स वॉक करना है, तो मैं वो भी कंटिन्यू करूंगा। अगर मेरे को सेकेंड डे के बाद लगता है बॉडी में बहुत ज्यादा ही मतलब टायरिंग फील कर रहा हूँ या फिर कुछ भी, तो फिर मैं इसको नहीं करूंगा, मैं फिजिकल एक्टिविटी कंप्लीटली अपना स्टॉप कर दूंगा। बट अभी फर्स्ट डे है और एनर्जी लेवल ठीक लग रहा है तो मैं करता हूँ। जिसको भी इस चैलेंज के बारे में नहीं पता है मैं आप लोग को बोलूंगा एक बार आप जाओ और 72 आवर्स फास्टिंग चैलेंज एक बार आप देख सकते हो, बहुत ज्यादा इसके मल्टीपल बेनिफिट्स है। मतलब वेट लॉस तो है, वो तो इतना मेरा कंसर्न भी नहीं है, वेट लॉस मुझे करना भी नहीं है, बट उसके अलावा बहुत सारे इसके अलग अलग बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन में काफी ज्यादा इंक्रीज होता है, काफी सर्ज आता है। उसके अलावा आपकी बॉडी में जो भी डेड सेल्स हैं वो सब ऑटोमेटिकली रिमूव होना स्टार्ट हो जाते हैं, उसको शायद ऑटोफेजी बोलते हैं। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि मैं बता नहीं सकता, मुझे भी अभी इतने याद नहीं है, बट मैंने बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स रीड करे थे, जैसे कि इंसुलिन भी आपका कम हो जाता है, उसके बाद ब्लड प्रेशर आपका काफी ड्रॉप हो जाता है, मतलब नॉर्मल लेवल्स पर आता है, काफी क्लैरिटी होती है। और ऐसा बोला है कि 48 आवर्स का जो टाइम है वहां तक बहुत डिफिकल्ट होता है फास्ट करना, मतलब मोस्टली लोग उस टाइम में गिव अप कर देते हैं,
उसके बाद हमारी बॉडी में जो एनर्जी लेवल्स है ना वो धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। सो मेरा प्लान है कि मैं 48 आवर्स तक कैसे ना कैसे अपने आपको रखना है मुझे इस चैलेंज पर। मुझे लगता है कि मैं शायद कर लूंगा बिकॉज मेरे को ऐसी सब चीजें करने में मजा भी आता है, मुझे अपनी बॉडी को हमेशा पुश करने में मजा आता है। तो ये चैलेंज भी एक काफी टाइम बाद कुछ ऐसा मिला है मुझको। कॉफी का मैंने सोचा है कि बस 2 लेने वाला हूं मैं और ग्रीन टी भी 2 या 3 ही लेने वाला हूं। मैंने ऐसा भी पढ़ा है कि अगर आप ज्यादा कॉफी पियोगे तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होगी और इस आपको प्रोसेस में पानी ज्यादा चाहिए अपनी बॉडी में, बिकॉज जो भी आपका जो कीटोसिस वाले स्टेट में हम लोग जब स्टोर्ड फैट हमारी बॉडी कन्वर्ट कर रही होती है एनर्जी में, तो हमारा जो भी वाटर रिजर्व्स होते हैं बॉडी में वो ज्यादा यूज करती है इस प्रोसेस के लिए। तो आपको पानी और ज्यादा पीना है जितना आप पीते हो नॉर्मली। आपको अपडेट करता रहूंगा, अभी ये 13 आवर्स की अपडेट है, उसके बाद नेक्स्ट जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं अपडेट करता हूँ। और अभी मैं निकलता हूँ अपने जिम के लिए। जिम से पहले मैं अभी ये ग्रीन टी पी रहा हूँ और आज का वेदर भी बहुत ज्यादा ही अच्छा है। तो जिम के बाद आते आते मेरा प्लान है कि एक छोटे से वॉक पे चला जाऊंगा। आप लोगों को मैं टाइम दिखा देता हूँ, अभी है आज 2 सितंबर। तो चैलेंज स्टार्ट करते टाइम मैंने अलार्म भी सेट कर दिया था अपना 3 डेज का और अभी तक हमारे बचे हैं 2 डेज एंड 10 आवर्स 21 मिनट्स। तो जिम का वर्कआउट फिनिश करके मैं अभी आ गया हूँ पार्क में, थोड़ी देर वॉक करता हूँ 10,000 स्टेप्स तक फिनिश करके फिर अपने घर के लिए वापस जाऊंगा। वो वेदर बहुत अच्छा है, यहाँ पे लेक भी है साइड में, ये मेरे घर के बहुत पास है ये वाला पार्क। 10,000 स्टेप्स तक करूंगा मैं, अभी तो मेरे पास 3,000 ही हुए हैं। ये लेक है, ये डॉग्स भी यहाँ पे बैठ के आराम से रास्ते में मजे कर रहे हैं, व्यू बहुत अच्छा है, वेदर भी बहुत ज्यादा अच्छा है यहाँ पे। तो अभी ये नेक्स्ट डे है और 32 आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अभी मैं जस्ट सो के उठा, फेस वॉश किया और अभी बज रहे हैं सुबह के 11। सो लास्ट क्लिप में आपने देखा होगा वॉक पे गया था मैं। सो जिम के बाद एंड वॉक के बाद जब मैं घर पे आया तो बहुत ज्यादा ही टायरिंग फील हो रहा था, काफी एनर्जी ड्रेन हो गई थी। तो उस टाइम पे मतलब बहुत ज्यादा ही भूख लग रही थी, तो फिर कंट्रोल किया जैसे भी, और फिर मैं ट्राई कर रहा था कल रात को सोने का बट कुछ खाया नहीं था मतलब ऑलमोस्ट 24 आवर्स तक। तो बहुत ज्यादा सोने में प्रॉब्लम हो रही थी बिकॉज भूख फील हो रही थी। अभी मॉर्निंग में उठ के मुझे भूख तो नहीं लग रही है बट ट्राई करता हूँ मैं भी कुछ पानी पीने का, बिकॉज कल रात से मैंने पानी भी नहीं पिया है। सो अच्छे से पानी पीता हूँ, ट्राई करता हूँ गर्म पानी पीने का, उसके गर्म पानी पी रहा हूँ। और आज वेदर भी कल जैसे ही है, ज्यादा धूप नहीं है इस चैलेंज में, क्योंकि आप कुछ खा नहीं रहे हो तो आपका पानी पीने का मन भी नहीं करेगा। हम लोग के साथ ऐसे होता है जब खाते हैं उसके बाद ही हम लोग को पानी पीने का मन करता है, तो आपको खुद से ही याद दिला के बार बार पानी पीना होगा। और जैसे आज मेरा सेकंड डे है तो अभी सुबह उठ के तो मेरे को ठीक सा लग रहा है, ज्यादा भूख नहीं लग रही है और एनर्जी भी अच्छी है काफी। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो, जो भी आप लोग के सुबह इंपॉर्टेंट काम हो वो पहले फिनिश करो और फिर इवनिंग तक आते आते काफी ज्यादा एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, तो फिर उस टाइम पे आपका कुछ करने का मन नहीं करेगा, अच्छे से आप फोकस नहीं कर पाओगे। तो जो भी इंपॉर्टेंट काम है वो आप सुबह ट्राई कर सकते हो फिनिश करने का। अभी मैं ये बुक रीड कर रहा हूँ, पहले भी रीड किया बट अभी मैं दोबारा रीड कर रहा हूँ, काफी ज्यादा अच्छी बुक है ये वाली। सुबह के बाद में काफी बीच में बिजी हो गया था, मुझे काफी सारे काम थे, लैपटॉप पे भी आज मुझे थोड़ा काम था, मैंने वो सब फिनिश किया। शाम को फिर मैं वॉक पे गया था और इसलिए मैं अभी अपडेट कर रहा हूँ। अभी रात के बज रहे हैं 11:30। सो अभी तक 45 आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं और बीच में बहुत ज्यादा ही मतलब बहुत ज्यादा वीकनेस फील हो रहा था, काफी टायरिंग था। तो उस टाइम पे मैंने सोने का ट्राई किया अराउंड इवनिंग में वर्कआउट के बाद, बट फिर भी सो नहीं पा रहा था मैं। तो फिर उठ के फिर मैंने पानी वगैरह पिया, काफी सारा पानी पिया मैंने, और मैंने थोड़ा सा सॉल्ट भी उसमें ऐड किया बिकॉज ये सब फास्टिंग में आपके जो बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं, तो उसके लिए फिर मेरे पास सॉल्ट ही एक ऑल्टरनेटिव था। मैं ऐसा रीड किया था और सॉल्ट लेना ही मेरे पास ऑप्शन था, इसलिए मैंने थोड़ा सा सॉल्ट लेके पानी में डिजोल्व करके पी लिया। अभी मेरे को ठीक लग रहा है बट अभी भी काफी एनर्जी डाउन है और अभी सोने का मैं ट्राई करता हूँ, मुझे लगता है नहीं मुझे नींद आने वाली है। अभी भी हमारे काफी ज्यादा टाइम रह गया, 45 आवर्स ही कंप्लीट हुआ है। तो अभी मैं जाता हूँ सोने का ट्राई करता हूँ थोड़ा और मैं आपको मिलता हूँ कल और फिर से अपडेट करता हूँ मैं। ये नेक्स्ट डे है 4 सितंबर और हमारा आज लास्ट डे है चैलेंज का और अभी टाइम हो रहा है 6:11। जो ये 72 आवर्स का फास्ट है इसमें हमारे 63 आवर्स कंप्लीट हो गए और अभी सिर्फ 8 आवर्स 46 मिनट्स बचा हुआ है। और ये मेरा ये जो 3 डेज का फास्ट है, 3 डेज इन 72 आवर्स का, आज इसका लास्ट डे है, 3rd डे, और आज ये रात को 3 बजे खत्म हो जाएगा। तो मेरे घर में अभी कुछ फास्ट ब्रेक करने के लिए कुछ भी खाना नहीं है। सो फास्ट ये काफी लंबा है, तो इसके लिए हम बोलते हैं कि इसमें हम लोग को जब फास्ट ब्रेक करना है काफी लाइट फूड से स्टार्ट करना है। सो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़े से फ्रूट्स लेके आता हूँ, उसके बाद फ्रूट्स खा के ब्रेक करूंगा, देन उसके बाद सो जाऊंगा मैं रात को, और फिर मैं नेक्स्ट डे मतलब कल आफ्टरनून या इवनिंग में जो मेरा प्रॉपर मील है धीरे धीरे करके स्टार्ट करना होता है, बिकॉज आपका मतलब जो भी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है और एकदम से अगर आप इतना सारा खाना खाओगे तो ठीक नहीं है। सो हम लोग को फास्ट को स्लोली ब्रेक करना है, तो
अभी फ्रूट्स लेके आता हूँ मैं, और आज मैं जिम नहीं जाने वाला हूँ बिकॉज एनर्जी ठीक है बट उसके बाद मेरे को बॉडी को भी पुश नहीं करना है। सो मैं वॉक पे जाऊंगा, 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करूंगा। सुबह आज मैं काफी लेट सो के उठा था, ऑलमोस्ट मैं 12 बजे सो के उठा था बिकॉज कल रात को बहुत डिफिकल्ट हो रहा था सोने के लिए बिकॉज बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। तो ये जो इसमें फास्ट में 40 आवर्स से 50 आवर्स के बीच का जो टाइम है ना, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। इसमें आपको इतनी ज्यादा क्रेविंग्स होती है और बॉडी के जो एनर्जी लेवल्स होते हैं बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। तो मैंने शायद आपको कल लास्ट क्लिप में बताया था कैसा मैं फील कर रहा था, पर आज कम्प्लीटली चेंज है। आज एनर्जी लेवल भी बहुत सही है, मतलब कुछ भी फील नहीं हो रहा है, और जो हंगर है वो भी बहुत कम है, मतलब ऐसा खाने का मन भी नहीं कर रहा है। तो मैं बताना चाहूंगा जो 40 to 50 आवर्स का अगर आपने पीरियड सर्वाइव कर लिया उसके बाद आप फास्ट को इजिली आगे कंटिन्यू कर सकते हो। जाऊंगा वॉक करके आऊंगा, उसके बाद फ्रूट्स वगैरह लेके मैं। बाहर का वेदर अभी कुछ ऐसा है, बिल्कुल बारिश होने वाली है ऐसा लग रहा है। अभी मैं जा रहा हूँ बाहर फ्रूट्स लेने के लिए, बहुत सर्दी है इसलिए मैंने जैकेट पहना हुआ है, और मेरे को लग रहा है मेरा 1-2 किलो तो कम हुआ है बिकॉज ये टी शर्ट मुझको बीच में टाइट हो गई थी। बनाना और थोड़े से वेजिटेबल्स मैंने ले लिए और अभी मैं जा रहा हूँ अपने घर वापस। तो गाइज फाइनली मेरा जो 72 आवर्स का फास्ट था 3 डेज का, वो अभी कम्प्लीट हो गया, अभी फिनिश हो गया, और मैं उसको ब्रेक करने वाला हूँ। 2 बनानास और ये सब ड्राई फ्रूट्स मैं खाने वाला हूँ। जब भी आप कैसे लंबे फास्ट होते हैं तो उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा करके खाना होता है, तो काफी इजी टू डाइजेस्ट है, और ये थोड़ा सा एनर्जी के लिए। और अभी मैं इसको खाता हूँ, मेरा फास्ट 72 आवर्स कंप्लीट हो गया है, और इसके बाद मैं आपको मिलता हूँ कल सुबह। गाइज मेरा ये जो 72 आवर्स का फास्ट था, 3 दिन का फास्ट, फाइनली अभी कंप्लीट हो गया है, और मैंने अभी इसको जस्ट बनाना और ड्राई फ्रूट्स खा के ब्रेक किया है। सो मेरा ये जो पूरा एक्सपीरियंस था, मैं अभी कल वीडियो कंटिन्यू करूंगा, उसके बाद उस वीडियो में आपको मैं शेयर करूंगा मैंने क्या क्या फील किया और कितना टफ है ये चैलेंज करना। सो कल मिलता हूं मैं आपसे। गाइज जो कल था वो फाइनली आज आ गया है, मतलब जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने बोला था आपको कल मिलूंगा, बट वो कल आया ही नहीं। काफी दिनों बाद में वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट शायद 10 दिन से भी ज्यादा हो गया है। मुझे लगा था कि मैं नेक्स्ट डे ही वीडियो बना के, मतलब फाइनल जो उसका पार्ट है कंक्लूजन वाला, वो खत्म कर दूंगा, बट इतना बिजी था मैं इतने दिनों से, तो एंड पार्ट मैंने शूट ही नहीं किया है। फाइनली फिर मैंने डिसाइड किया कि जो एंड पार्ट है मैं इसको शूट करता हूँ, वीडियो को अपलोड करता हूँ, बिकॉज वीडियोस आजकल काफी कम आ रहे हैं। उसका भी एक रीजन है बिकॉज मैं अभी शिफ्ट करने वाला हूँ बैंगलोर से, तो बहुत ज्यादा बिजी हो गया हूँ पैकिंग वगैरह करने में। वो नेक्स्ट वीडियो में या फिर थोड़े दिनों बाद में आपको अपडेट करता हूँ कि मेरा आगे का क्या प्लान है, तो इसलिए काफी बिजी था। तो इस वीडियो को मैं आपको बताता हूँ मेरा जो फास्ट एक्सपीरियंस था, मुझे अभी आधा आधा याद भी नहीं है, बट जो मेन पॉइंट है मैं आपको वो बताता हूँ। मेरे लिए काफी डिफिकल्ट था, और जो 48 आवर्स के बाद वाला टाइम था वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज उस टाइम पे आपकी बॉडी की जो एनर्जी लेवल्स होती है ना, मैंने एक्सपीरियंस किया। कुछ लोगों का ये टाइम 48 आवर्स के पहले भी आ सकता है, कुछ लोगों का बाद में भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में ग्लूकोज रिजर्व कितने हैं। तो मेरे मतलब 48 आवर्स के बाद थोड़ा डिफिकल्ट पीरियड था, मतलब 48 से 50 या 55 आवर्स तक काफी डिफिकल्ट था। उसके बाद ऐसा होता है कि आपके जो एनर्जी लेवल्स होते हैं सडनली नॉर्मल हो जाते हैं, और आप आपको ऐसा लगता है कि आप अपना फास्ट और भी कंटिन्यू कर सकते हो। मेरा भी मन कर रहा था कि मैं 96 आवर्स तक फास्ट को कंटिन्यू करूं, बट फिर मैंने ड्रॉप कर दिया बिकॉज लास्ट डे के बाद, लास्ट डे में भी जिम नहीं गया था और जिम जाना मेरा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने सोचा कि नेक्स्ट टाइम जब भी फास्ट करूंगा मैं 4 डेज का करूंगा, इस बार 3 डेज पे खत्म करते हैं बिकॉज मेरा फर्स्ट टाइम था। ओवरऑल फास्ट एक्सपीरियंस काफी अच्छा था, और नेक्स्ट डे मैंने ऐसा फील किया मेरी बॉडी के जो एनर्जी लेवल थे काफी ज्यादा अच्छे थे, और मैंने काफी लाइट फील किया। और मुझे क्या है, मेरे को जब भी मैं जिम करता हूँ ना, मुझे राइट शोल्डर में थोड़ा पेन रहता है और मुझे लोअर बैक का पेन रहता है, तो मुझे नहीं पता था फास्ट में ऐसा भी कुछ होता है कि आपके जो भी आपको क्रॉनिक पेन है ये सब भी कम हो जाते हैं। बट मैंने जैसा एक्सपीरियंस किया नेक्स्ट डे, उसके बाद जाके मैंने रिसर्च किया थोड़ा, क्या क्या ये फास्ट का ही मतलब रिजल्ट है, जो मेरे को पेन कम फील हो रहा है, शोल्डर पेन और बैक पेन ऑलमोस्ट मतलब 80% मेरा पेन खत्म हो गया था। तो मैंने फिर जाके रीड करा, एक्चुअली में लोग ये फास्ट करते हैं जिससे उनकी बॉडी में जो भी क्रॉनिक पेन है ये सब अपने आप ही ठीक होने लगता है, ऐसा मैंने सुना। तो फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि हाँ, वो फास्ट की वजह से मेरा बॉडी का जो पेन था जॉइंट्स का वो सब भी कम हुआ, तो एक ये भी बेनिफिट है। इसके अलावा मैंने मोस्ट ऑफ द आपको बेनिफिट्स बता दिए हैं, और फास्ट ब्रेक करने के बाद आपकी बॉडी यूज टू नहीं होती है, तो उसको ना मतलब बॉडी को खाने की आदत ही नहीं होती है, तो खाने का आपका मन ही नहीं करेगा। तो मेरा भी नेक्स्ट डे सुबह उठ के खाने का मन नहीं कर रहा था। शायद मैंने नेक्स्ट डे दोपहर को जाके अपना फर्स्ट मील लिया था बिकॉज मेरा सुबह उठ के बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था खाने का। तो एक ये भी है कि आपको फास्ट ब्रेक करने के बाद भी आपका मन नहीं करेगा, तो आपको धीरे धीरे खाना खाना स्टार्ट करना पड़ेगा। और बाकी तो सारे पॉइंट्स मैंने कवर करे हैं, काफी अच्छा फास्ट है, काफी सारे बेनिफिट्स हैं, और इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। अगर आप 2 दिन तक कर लोगे फास्ट को कंटिन्यू, उसके बाद आप इजीली लास्ट डे भी कर सकते हो। और इस फास्ट को आपको मंथ में ज्यादा नहीं करना है, मतलब एक ही बार करना है, मैंने इसे रीड किया था, बिकॉज ज्यादा भी आप फास्टिंग करोगे वो बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। आपको करना है तो नॉर्मल आप इंटरमीडियंट फास्टिंग जो होता है 16 आवर्स का 18 आवर्स का वो कर सकते हो, वो भी अल्टरनेट डे कर सकते हो, या फिर डेली भी लोग करते हैं तो डेली भी कर सकते हो, मैं तो नहीं करता वो।
तो इस फास्ट को बट आपको मंथ में एक ही बार कर रहा है बिकॉज बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट है और चैलेंजिंग है बॉडी पे भी। इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स तो है बट अगर आप ज्यादा करोगे तो फिर इसके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे फिनिश करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे की जो वीडियोस आने वाली है काफी डिफरेंट आने वाली है, तो मैं आपको वो बताने वाला हूँ कि अभी क्या लाइफ में मेरे चेंजेस आ रहे हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट व्लॉग।